गुड मॉर्निंग क्लास, नाउ वी आर स्टार्टिंग अवर न्यू चैप्टर दैट इज 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया गोल्स एंड अचीवमेंट्स. ठीक है, दिस चैप्टर इज ऑल्सो बिलोंग्स टू इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ठीक है, वी हैव कम्प्लीटेड चैप्टर 1 इन द लास्ट लेक्चर, सो नाउ वी आर स्टार्टिंग अवर न्यू चैप्टर दैट इज 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया गोल्स एंड अचीवमेंट. ओके, सो दिस इज लेक्चर 1 ऑन दिस चैप्टर. फर्स्ट, वॉट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम? यू शुड हैव टू नो वॉट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम. इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है? इट रेफर्स टू अ सिस्टम अंडर विच अ सेंट्रल अथॉरिटी सेट्स अ सेट ऑफ टारगेट्स एंड स्पेसिफाइज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज टू अचीव दोज टारगेट विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम. इसमें क्या होता है, ये एक तरह का सिस्टम है जिसमें सेंट्रल अथॉरिटी जो होती है, जिसको हम प्लानिंग कमीशन इन इंडिया बोलते हैं इंडिपेंडेंस के बाद, ठीक है ना, वो क्या करता है, कुछ टारगेट्स को सेट करके रखते हैं, स्पेसिफाई करता है सेट ऑफ प्रोग्राम्स और पॉलिसीज को, कि ताकि जो टारगेट्स हैं उनको अचीव कर सके स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के अंदर. द प्रिंसिपल फोकस इज ऑन द रेशनल मैनेजमेंट ऑफ द स्कार्स रिसोर्सेज. जो प्रिंसिपल फोकस होता है इसका ये होता है कि कैसे करके जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको कैसे यूज़ करना है, ठीक है, मैनेजमेंट कैसे करना है. The resources are to be optimally utilized that the social welfare is maximized along with GDP growth. ठीक है, सो इन इंडिया जो आइडिया है इकोनॉमिक प्लानिंग का बिकेम अ रियलिटी विद द सेटिंग अप ऑफ प्लानिंग कमीशन इन 1950 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर महालनोबिस. ठीक है, तो ये चीज जो है हमारा क्या था, इकोनॉमिक प्रॉब्लम. तो आपको मेन ये रखना है याद कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है. ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम. नाउ नीड फॉर प्लानिंग इन इंडिया. ठीक है, इंडिया है, इंडिया में प्लानिंग की क्या जरूरत होती है, क्यों, क्या नीड है. इंडिया इनहेरिटेड फ्रॉम द ब्रिटिश अ बैकवर्ड. ब्रिटिश ने, ब्रिटिश का रूल था तो ब्रिटिश ने इंडिया को क्या करा है, बहुत पीछे छोड़ दिया है. ठीक है, इट वॉज बैकवर्ड एज द लेवल ऑफ आउटपुट एंड प्रोडक्टिविटी वर लो. ये बहुत ज़्यादा पीछे था और जो यहाँ का लेवल ऑफ आउटपुट था और प्रोडक्टिविटी थी वो बहुत ज़्यादा लो थी. ठीक है, एंड इट वॉज नेगनेंट एज द GDP ग्रोथ वॉज एक्सट्रीमली लो. जो GDP ग्रोथ था वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम था. सो सच एन इकोनॉमी कुड नॉट बी लेफ्ट टू द मार्केट फोर्सेज ऑफ सप्लाई एंड डिमांड. तो ये जो है, इस तरह की जो हमारी इकोनॉमी है उसको हम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते मार्केट सप्लाई पे या डिमांड पे. ठीक है, हमने उसको टू द जो ट्रेस होता है, पाथ होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, उसको उस पर लाना होता है. ठीक है, इट नीडेड अ बिग पुश ऑफ इन्वेस्टमेंट सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट हैज़ द रिकोर्स टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम. इसीलिए ज़्यादा जरूरत है इकोनॉमिक प्रॉब्लम की. ठीक है, सो नीड फॉर प्लानिंग इन इंडिया. प्लानिंग, देर आर टू टाइप्स ऑफ प्लानिंग. फर्स्ट वन इज डायरेक्टिव प्लानिंग एंड सेकेंड वन इज कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग. ठीक है, डायरेक्टिव प्लानिंग क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग क्या होता है. डायरेक्टिव प्लानिंग मीन्स इट रेफर्स टू अ सिस्टम इन विच अ प्लानिंग इज इंट्रोड्यूस जस्ट टू डायरेक्ट द फोर्सेज ऑफ सप्लाई एंड डिमांड सो दैट द सिस्टम डज नॉट गो वे आउट फ्रॉम द रे स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम. जो इक्विलिब्रियम की सिचुएशन होती है उससे दूर ना जाए. तो इसका डायरेक्टिव प्लानिंग का मतलब ये होता है वो प्लानिंग जो इंट्रोड्यूस की है कि ताकि डायरेक्ट फोर्स हो सके सप्लाई और डिमांड का. ठीक है, तो ये हमारी डायरेक्टिव प्लानिंग होती है. इस प्लानिंग में कोई डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं होता है स्टेट का प्रोसेस ऑफ ग्रोथ में. इट इज़ मोर लाइक डायरेक्टिंग द प्राइवेट सेक्टर विद रिगार्ड टू अ सेट ऑफ डूज एंड डोंट्स सो दैट द नेशनल इंटरेस्ट डज नॉट सफर वाइल इंडिविजुअल गेन्स आर अलाउड टू बी मैक्सिमाइज्ड. नेक्स्ट वन इज डायरेक्टिव प्लानिंग इज परस्यूड इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज. जो डायरेक्टिव प्लानिंग है वो परस्यूड होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज में. ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट वन इज कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग. Come to the next part, that is comprehensive planning. Comprehensive planning, on the other hand, refers to a system in which government herself participate in the process of growth and development. कि government participate करता है process of growth and development. ठीक है, जो कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग है वो परस्यूड होती है सोशलिस्ट इकोनॉमीज में एज वेल एज मिक्स्ड इकोनॉमी में. दोनों में ही चलती है कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग. इन केस ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमीज जैसे इंडिया, जो मिक्स्ड इकोनॉमी है, प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स को एग्जिस्ट एज एजेंट ऑफ ग्रोथ व्हाइल इंडिविजुअल गेन्स आर अलाउड टू बी मैक्सिमाइज्ड एज अंडर कैपिटलिज्म सोशल गेन्स आर फोस्टर्ड थ्रू डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट एज अंडर सोशलिज्म. ठीक है, सो टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज.
अब आता है हमारा इकोनॉमी। इकोनॉमी हमारी एक हमने वो वाली करी थी, ठीक है ना, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, वो दूसरी। ये आती है हमारी टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। इकोनॉमीज के टाइप्स क्या क्या हैं? फर्स्ट वन इज कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो है जिसमें प्रोडक्शन जो होता है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इंडिविजुअल्स के होते हैं और इंडिविजुअल फ्री होते हैं टू टेक देयर इकोनॉमिक डिसीजंस, इकोनॉमिक डिसीजंस लेने के लिए फ्री होते हैं, ठीक है, एज गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। जो इसका मेन एम होता है वो ये होता है कि कंज्यूमर्स फ्री होते हैं कंज्यूम वट एवर दे लाइक, उनका कोई वो नहीं है, वो फ्री होते हैं जो भी उनको कंज्यूम करना होता है, ठीक है। इसके फीचर्स ये हैं कि प्राइवेट ओनरशिप होता है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन यूज होते हैं इस तरीके से कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज होते हैं। रोल ऑफ गवर्नमेंट इज लार्जली कन्फाइंड टू द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड डिफेंस ऑफ द कंट्री, ठीक है। जो इसका मेरिट है वो ये होता है कि ये प्रमोट करता है सेल्फ इंटरेस्ट को, प्रॉफिट्स एंड मैक्सिमाइज और जीडीपी ग्रोथ एक्सेलरेट होती है। जो प्रिंसिपल डीमेरिट है सिस्टम का ये है कि इग्नोर करता है कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी को। ओनली दोज गुड्स आर प्रोड्यूस विच यील्ड हाई प्रॉफिट्स, अकॉर्डिंगली प्रोडक्शन इज डायरेक्टेड टू सेटिस्फाई नीड्स ऑफ द रिच। ये सेटिस्फाई करता है नीड्स ऑफ द रिच, जो रिच होते हैं उनकी नीड्स को। द पुअर पीपल सफर डेप्रीविएशन, देर इज ग्रोथ विदाउट सोशल जस्टिस। यहाँ पे ग्रोथ होती है विदाउट सोशल जस्टिस।